मैम करो। थप्पड़ मारने वाला काम आप लोग कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज भैंसकोट में कुछ समय पूर्व तक प्रभारी प्रधानाचार्य का कार्य देख रहे घिसियावन प्रसाद ने विद्यालय की एक गर्भवती शिक्षिका और एक अन्य शिक्षिका के साथ मारपीट कर दी। शिक्षिकाओं की ओर से नाचनी थाने में शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी शिक्षक का चालान करते हुए धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। घिसियावन प्रसाद का स्थानांतरण उधम सिंह नगर के लिए कर दिया गया था। 29 अगस्त को उन्हें कार्यमुक्त करने के साथ ही वरिष्ठ प्रवक्ता नीरू को प्रभार दिया गया था। बुधवार को शिक्षिका नीरू कंप्यूटर कक्ष में पत्र टाइप करवा रही थी। इसी दौरान घिसियावन प्रसाद ने उनके साथ अभद्रता कर दी। शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई है। मौके पर वीडियो बना रही एक अन्य शिक्षिका ने भी उनके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। शिक्षिकाएं कल सुबह 10 बजे थाने पहुंच गई थी, लेकिन महिला शिक्षिकाओं की रिपोर्ट रात्रि 8 बजे दर्ज हो सकी। बताया गया कि थाने में कोई महिला कर्मचारी मौजूद नहीं थी। शिक्षक घिसियावन प्रसाद को विभाग ने निलंबित कर दिया है, साथ ही पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया है। मैम करो। थप्पड़ मारने वाला काम आप लोग कर रहे हैं। क्यों मारेंगे? आप लोग नाजायज काम मत करिए। किस पद के हिसाब से मारेंगे? वीडियो मत बनाओ। बनाइए मैम। जब आपको ऐसे कार्य मुक्त कर दिया गया है, कौन कार्य मुक्त किया? अधिकारियों से बात करो। अधिकारियों से बात करो। कागज दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं? मैं अधिकारी से बात करूंगा। आप कागज दिखाओ। शिक्षा अधिकारी के पास जाइए। हां, शिक्षा अधिकारी बीच में कैसे आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? हमारा दिक्कत पड़ी है कुछ। आपने रिसीव नहीं किया? हुआ, हम जिम्मेदार होंगे उसके लिए। अधिकारी को हम देंगे, बताएंगे, लेकिन आप जबरदस्ती यहाँ पर मत। अधिकारी टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर बुधवार को तेंदुए ने अमरू बैंड के पास बाइक सवार नानकमत्ता निवासी मुरारी लाल शर्मा और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। शर्मा रक्षाबंधन के लिए अपनी पत्नी के साथ बाइक से सुखी ठाक निवासी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। उनके शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर निकल गया और दोनों की जान बच गई। सूचना पर घायल मुरारी लाल शर्मा को 108 से टनकपुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसी बीच तेंदुए ने स्कूटी से सुखी ठाक की ओर लौट रहे छीनी गोट निवासी संजय घैतोड़ी पर भी बस्तिया के समीप हमला कर दिया। हेलमेट पहना होने से वह तेंदुए की पकड़ में नहीं आ पाए। स्कूटी गिरने से उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में सभी नवीनतम और आधुनिक सुविधाओं के साथ आप शादी समारोह, बर्थडे या किसी भी प्रकार के मंगल कार्यक्रमों को बनाए और भी मंगलमय। अपने महत्वपूर्ण दिनों को और भी यादगार बनाने के लिए अभी संपर्क करें मंगल मूर्ति होटल एवं बैंकेट हॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9897007877 पर। रक्षाबंधन पर्व पर मलान गांव में मेले का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र बोहरा ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ देव डोले भी निकाले गए। इस अवसर पर मेला कमेटी के अध्यक्ष ग्राम प्रधान देवराज सिंह रावत, कुंदन बोरा, पंकज बिश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में रक्षाबंधन पर्व की धूम रही। इस दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई में राखी बांधी और भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। साथ ही एक दूजे का मुंह मीठा कर मंगलमय जीवन की कामना की गई। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में भी काफी चहल पहल रही। मिठाई की दुकानों में काफी भीड़ रही। सौंदर्य प्रसाधन और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर भी काफी चहल पहल रही। टैक्सी स्टैंड पर सुबह से ही भाइयों के घर जाने के लिए बहनों की भीड़ लगी रही। प्रातः पुरुषों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जन्या पुन्यू मनाकर जनेऊ धारण किया। मॉनसून काल में हम रखते हैं आपकी आंखों का ख्याल। आ गया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेगा फ्रेम के साथ प्रिज्म व अन्य ब्रांडेड लेंस बिल्कुल फ्री। ऑफर सिर्फ 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 तक। फ्रेम 300 रुपये से शुरू और भी कई ऑफर उपलब्ध। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं। जल्द संपर्क करें रेबन ऑप्टिकल्स, पार्वती मार्केट सिलथाम या ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI सिमलगेर पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री उदयमान खेल योजना में प्राथमिक विद्यालय गैला से दीपक कठायत पुत्र उत्तम कठायत का चयन हुआ है। दीपक की इस उपलब्धि से विद्यालय और गांव में खुशी का माहौल है। प्रधानाध्यापक देवेंद्र सोरागी ने छात्र को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। अब आप पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। खबरों को पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।